आज चढ़ेंगे ट्रेन में और 20 घंटा ये ट्रेन सफर करेगी दोस्तों 20 आवर्स बता दें कि ये लग्जरी ट्रेन फोर्स वन, एक विशेष ट्रेन है इस ट्रेन के भीतर विशेष लकड़ी से तैयार केबिन बने हैं बैठकों के लिए लंबी लंबी टेबल और सोफे भी लगे हैं उस ट्रेन के अंदर एक तो ग्लासेस सारे के सारे बुलेट प्रूफ होंगे मिनिमम एटलीस्ट जो जहां पे प्राइम मिनिस्टर है उनके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनके साथ चलेंगे दैट उस पिच पर उस महाज पर तो यकीन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है नीचे जो उसकी अंडर कैरेज है या जो भी नीचे वाला एरिया है ट्रेन का वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि अगर कोई बारूद फटता है या कोई माइन लगाता है तो एवरीबडी साथ साथ कि पिछले महीने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे इससे बेहतर था हम आजाद ही न होते मैंने बुजुर्गों से बड़ों से सुनाया है कि इससे तो उनका निजाम अच्छा था यार आजाद होके भी हम उसी तरह जिस मुल्क में अभी तक यह खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं कोई बोतल देखते हैं कोई मशरूप देखते हैं तो वो कहते हैं ये ये उसने बनाया उसने बनाया उसने बनाया बनाया इसने इसने इन्होंने क्या मुझे ये बनाया। और इंडिया फिर चांद चांद पे चान्थ पे पहुंच वो चांद पे पहुंच रहा है हम जमीन के नीचे जा रहे हैं उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्लड ग्रुप उनका ब्लड अलग से यू नो सेम ब्लड ग्रुप के वो होगा एक साथ में पूरा हॉस्पिटल चलेगा और जैमिंग उसमें सॉलिड होगी इंडिया के हालात आजकल तकरीबन तकरीबन मैं जो समझता हूं कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक से एक मुल्क है ट्रेन के आगे चेक करते हुए एक एडवांस में एक छोटी ट्रेन जाएगी या कोई गाड़ी जो कि रेल्स पे चले वो चेक करेगी इट विल चेक ट्रेन के पीछे एक छोटी ट्रेन और होगी तो हवा से जमीन से ट्रैक के ऊपर एक पूरा सेफ्टी टनल पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ की ऐसे ऐसे पहाड़ पड़े हुए हैं मैं लाइक अपनी आंखों से के पहाड़ सोने सोने को छोड़ दे सोना सस्ता है मैम आप बात करिए सोने की सोना सस्ता है एक एक ट्रक जो है वो 80 टू 90 करोड़ का बिक रहा है एक ट्रक जो है वो स्टोन का 80 टू 90 करोड़ का है ठीक है तो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है बहुत कुछ है इसके शीशे ऐसे भी करे होंगे कि अंदर से बाहर देख सकते हैं बाहर से अंदर नहीं देख सकते हैं। एक और सिक्योरिटी फीचर है तीसरा सिक्योरिटी फीचर है कि जो बॉडी होगी ट्रेन की उसमें भी उन्होंने बुलेट प्रूफिंग करी होगी और नीचे जो उसकी अंडर कैरेज है या जो भी नीचे वाला एरिया है ट्रेन का वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि अगर कोई बारूद फटता है या कोई माइन लगाता है तो एवरीबडी इज वेरी सेफ उन्होंने यह भी हो सकता है कि करा हो कि उसके अंदर ट्रेन के डब्बे के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट कैप्सूल बनाया हो इंडिपेंडेंट कैप्सूल अलग से ऑक्सीजन वो तो खैर स्पेशल प्रोटेक्शन वो एसपीजी अपना साथ लेके चलती है लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई दूसरा गैस का अटैक होता है नर्व गैस का अटैक होता है बायोलॉजिकल अटैक होता है तो उसका एक अपना ऑक्सीजन वाला मामला होगा टू जनरेट ऑक्सीजन ठीक है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्लड ग्रुप उनका ब्लड अलग से यू नो सेम ब्लड ग्रुप के वो होगा एक साथ में पूरा हॉस्पिटल चलेगा और जैमिंग उसमें सॉलिड होगी जैमिंग कोई भी मोबाइल नेटवर्क से अगर कुछ एक्टिवेट करे ये सारी की सारी चीजें उस ट्रेन के अंदर होंगी वरना एसपीजी की एडवांस टीम जाके सब कुछ कर चुकी होगी ऑलरेडी उसमें काफी कुछ अवेलेबल होगा राइट और दोस्तों आप यह मत सोचिएगा कि ट्रेन आइसोलेशन में चल रही है हां एयर एसेट्स होंगे एयर एसेट्स होंगे हवाई जहाज से या हवा से हवाई जहाज का इस्तेमाल करके उस ट्रेन को प्रोटेक्ट करते हुए एयर एसेट्स भी होंगे लेकिन हवा में प्रधानमंत्री नहीं होंगे प्रधानमंत्री ट्रेन के ऊपर होंगे लेकिन किसी का अगर यह सोचना है कि साहब नहीं वो ऐसी ट्रेन जा रही है बस ट्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी है सिर्फ वही है नहीं हेलीकॉप्टर्स भी होंगे एसेट्स होंगे पूरा प्रोटेक्ट करके उस ट्रेन को भेजा जाएगा अलग अलग देश हैं अलग अलग अपनी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करेंगे राइट इसके अलावा दोस्तों अच्छा ये सब जो मैं बता रहा हूं ना कि तो उसके अंदर क्या हो सकता है मैं फिर आपको ये ब, बोल रहा हूं कि मैं खुद गैस कर रहा हूं ये ये मेरी सोच है ओके ये मैं आपको पहले ही बता दूं अच्छा इसके अलावा लग्जूरियस एम्यूनिटीज हैं यहां पर यहाँ पे बैठने के लिए ड्राइंग रूम है इसके अंदर स्लीपिंग अरेंजमेंट्स है जाहिर सी बात है बीस घंटे प्रधानमंत्री आराम भी करेंगे उनकी टीम भी आराम करेगी तो अलग से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है कॉन्फ्रेंस टेबल है टेलीविजन के लार्ज स्क्रीन हैं दुनिया भर से कनेक्टेड हैं थ्रू सैटेलाइट थ्रू द इंटरनेट और सेफ अनहैकेबल इंटरनेट ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलता है मैट दोस्तों एक बड़ी एम्बेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान जम शबाज़ शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इन इन टर्म्स के जर्मनी पाकिस्तान को एड काफ़ी देता है ठीक है जी जो खुली बात करनी चाहिए ठीक है और जर्मनी हेल्प करता है जी स्टेटस में इसमें भी मैं बात करता हूँ लेकिन वाक़ ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ पर कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दें Uh, तो उन्होंने uh, इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप वापस आप चले जाएँ चले जाएँ कोई बात नहीं ठीक है अब क्वेश्चन ये है कि बैग को सिक्योरिटी के वो जो गेट है वहाँ से निकालना मिनिस्टर साहबा ने अपनी तोहन समझी uh, इसको पाकिस्तानी दो तीन एंगल से देख रहे हैं एक एंगल तो ये है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं गरीब मुल्क हैं वो आते हैं वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं हम आपको सपोर्ट देते हैं हम आपको ख़ैरात देते हैं हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैक चेक करो आपकी ये जरूरत एक ये व्यू पाकिस्तानी जिसको इस एंगल से देख रहे हैं दूसरा एक एंगल इसमें ये है कि शी शीज़ हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही हैं शी इज़ अ फॉरन मिनिस्टर है तो उनकी ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी दो व्यू जो हैं वो सामने आए हैं अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है दोनों व्यू ही ठीक है कि एक तो शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट ठीक है मिनिस्टर है uh, uh, आई है मिलना चाहती है और अगर उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी uh, हमें uh, हम चेक नहीं कराएंगे uh, तो ठीक है इसमें कोई वो बात नहीं है लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई हमारे मिनिस्टर जाएँ तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक करो हम चेक करा देते हैं ठीक है जर्मनी हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है जर्मनी की एक हिस्ट्री रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कमर्शियल और इकोनॉमिक टाइज में उसने बड़ा मदद की है थोड़े दिन थोड़े महीने पहले लाहौर के अंदर जर्मन अम्बेसडर का भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तानी यंग यूथ थे उन्होंने जर्मन अम्बेसडर स्पीच दे रहे थे लाहौर में और कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने नारेबाजी शुरू कर दी कि जर्मनी जो है वो बातें तो बड़ी करता है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की और पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की लेकिन गजा के अंदर जर्मनी साइलेंट है खामोश है वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते आपके डबल स्टैंडर्ड है आप वहाँ पर खामोश रहते हैं जहाँ पे आपके इंटरेस्ट हों बेशक वहाँ पर इंसानी हकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हों बेशक वहाँ पर लोग जो हैं वो कत्ल किए जा रहे हों और अगर पाकिस्तान की बात आई है तो आपने अगर दो तीन लाख डॉलर एक अदारे को दे दिए हैं तो आप जो है वो जो मर्जी करें जैसे मर्जी करें मतलब आप आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी कर सकते हैं लेकिन तो मिनिस्टर वो जो अम्बैसर साहब थे अम्बैसर साहब ने स्पेशल छोड़ डालना शुरू कर दिया चीख है बड़ा वो चल और उसने कहा चले जो बाहर यहाँ से अगर तुमने तो वो लोगों ने बड़ी उनकी

यूक्रेन जिस ट्रेन से जा रहे हैं। इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है इस ट्रेन का नाम फोर्स वन ट्रेन है और यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं इस ट्रेन से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन फ्रांस के राष्ट्रपति इमान्युअल मैक्रोन समेत कई बड़े बड़े देशों के राजनेता यूक्रेन आ चुके हैं। इसके अलावा फोर्स वन ट्रेन दुनिया की सबसे शानदार लग्जरी और टाइट सेफ्टी फीचर्स वाली ट्रेनों में से एक मानी जाती है यह एक ऐसी ट्रेन है जो मिसाइल या रॉकेट हमले को भी झेल सकती है इसके कोच को एक तरह से बख्तरबंद टैंक की तरह बनाया गया है जिसमें बुलेट मिसाइल गोली हर किसी हमले को रोकने की क्षमता है इसके अलावा ये ट्रेन एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस है साथ ही इस ट्रेन के अंदर अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक आर्मी की यूनिट भी साथ में चलेगी जो किसी भी हमले को बड़ी आसानी से टैकल कर सकती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें